इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। हम भी तेरे साथ चलते हैं, चेलों ने उससे कहा। तो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। हे जवानों, क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा है? कुछ भी नहीं। नाव की दाहिनी ओर जाल डालोगे तो कुछ पकड़ पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। वो चेला जो यीशु का प्रिय था, उसने पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि उसने अपने कपड़े उतारे थे और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया